इंदौर के सांखी ब्रदर्स कार शोरूम पर धार के रहने वाले शख्स ने डिफेक्टिव कार उसे बेचने का आरोप लगाते हुए उसके साथ धोखाधड़ी होने की बात कही है। पीड़ित ने पलासिया थाने में आवेदन भी दिया है। दरअसल मनावर क्षेत्र के बीकानेर के रहने वाले कारोबारी पंकज पाटीदार ने बताया कि 8 अप्रैल 2019 को उसने इंदौर के मनोरमागंज स्थित सांखी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड से 7,40,000 में टाटा टिगोर कार खरीदी थी, जहां उन्हें कहा गया था कि 75,000 किलोमीटर तक चलने में वाहन में कोई भी नहीं होगी। वहीं उन्हें कहा गया था कि तकलीफ आने पर वाहन सुधारा जाएगा या बदल कर द्वारा दूसरा दिया जाएगा, लेकिन वाहन खरीदने के दिन से अब तक पीड़ित कई बार कार में पैसा लगा चुका है। वहीं 30 दिसंबर 2022 को गाड़ी की खराबी के बाद शोरूम पर वाहन सुधारने के लिए 66,000 से अधिक राशि ली गई। कई बार परेशान होने के बाद भी आखिर में पीड़ित पंकज पाटीदार ने कार शोरूम पर खड़ी कर दी। वहीं उन्होंने सांखी ब्रदर्स से स्टाफ सहित कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पलासिया थाने में आवेदन दिया है। श्री पाटीदार का कहना है कि टाटा कंपनी प्रतिष्ठित कंपनी है, ऐसे में सांखी ब्रदर्स ने टाटा कंपनी का नाम खराब करते हुए इन्हें डिफेक्टिव कार बेच दी। मामले में पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम जाने के साथ ही अन्य तरह से कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। मैं पंकज पाटीदार बाकानेर तहसील मनावर जिला धार का रहने निवासी हूँ। मैंने ये टाटा टिगोर गाड़ी टाटा सांगी ब्रदर्स से 2019 में खरीदी थी अप्रैल में। उसके बाद इसमें रुक रुक के गाड़ी में प्रॉब्लम हमेशा ही आती रही, पर नई गाड़ी है, सर्विसिंग होने पे सब चीज़ ठीक हो जाएगी करते हुए हम सर्विसिंग रेगुलर करवाते हुए इसको चलाते रहे। मात्र ये 50,000 किलोमीटर अभी तक चली है। उसके बाद अभी 8 महीने से तो 3 बार टो हाईवे पे चलते रास्ते पे हाईवे से टो करके लाई गई है, जिसमें हमारा पूरा परिवार था। 3 बार मरने से हमारी मौत होने से बच गए, फिर भी हमने एक बार और सांगी ब्रदर्स पे विश्वास करके उनकी सर्विसिंग को ली। उन्होंने बोला कि अभी ये 66,000 का आपका गाड़ी में काम ओके करके दिया है, आप 6 महीने या 10,000 किलोमीटर तक आर रोड पे आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। परंतु सांगी ब्रदर्स से 30/12/2022 को शाम को 5 बजे मैं वहाँ से लेकर उज्जैन दर्शन के लिए परिवार सहित निकला, तो मात्र 30 किलोमीटर पे मेन हाईवे पे सावेर जिला सावेर में मेन हाईवे पे चौकड़ी के आगे गाड़ी एकदम से बंद हो गई। और बाद में पीछे से ट्रेलर आ रहा था, वो मामूली से बाल बाल बचते हमको गाड़ी को ना टक्कर मारते हुए पास में से निकल गया। कभी 5 सेकंड पहले ये बंद हो जाती तो ट्रेलर हमारी गाड़ी के अंदर घुस चुका होता। राइटिंग में लिख के और उस पर सील लगा के दिया, वो उसका कौन ऑथोराइज है इतनी बड़ी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि 3 बार जिंदगी से बचे हैं, वो लास्ट बार इनके कहने पे हमने यही शर्त पे गाड़ी ली थी वापिस से कि अब गाड़ी को कुछ नहीं होगा। अब गाड़ी को आज वापिस से हम मौत के मुँह में से बचे हैं। 31 रात की घटना का वीडियो बनाया हुआ है, सुबह का वीडियो बनाया हुआ है। आपका मतलब ये है कि सांगी वालों ने आपको गाड़ी डिफॉल्ट गाड़ी दी है? हाँ, डिफॉल्ट गाड़ी दी है, जो शुरू से ही प्रॉब्लम कर रही थी, पर थोड़ी थोड़ी सर्विसिंग जब जब करवाई तब तक वो कहते रहे कि अभी नई गाड़ी है, ये है और आप इसको चलाते रहें, सब चीज प्रॉपरली हो जाएगी ठीक। अब आप क्या करेंगे आगे? आगे मैं उपभोक्ता फोरम में जा रहा हूँ और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम हूँ मैं, जहाँ पे भी मेरी हेल्प के लिए जो सरकार द्वारा मदद मिलेगी और जो नियम सभी के लिए एक जैसे बनाए हैं सरकार ने, उसके आधार पे हम उस पर केस करेंगे। टाटा कंपनी से भी ये कहेंगे कि हमने बार बार आपकी गाड़ी टो करके ला रही है, और तो आप ऐसा डीजल या ऐसी गाड़ी क्यों बना रहे कि आप दोनों से पैसा कमा रहे हैं, टो करने वाला वाहन भी आपका है। सांगी ब्रदर्स प्लस टाटा की सांगी का ऑफिस प्लासिया में है सर, इंदौर में। और वहाँ के पुलिस स्टेशन पर भी मैंने अभी ये पूरा आवेदन दे के दिया हुआ है, वहाँ के मतलब पुलिस अधीक्षक को भी दिया हुआ है, हमारे बाकानेर की चौकी पे भी दिया हुआ है। अभी हम इनको आवेदन दिया कि सर हम इस प्रताड़ना से पीड़ित बहुत हुए हैं और हमारी कल मृत्यु हो जाती तो इसको सांगी ब्रदर्स दुर्घटना का नाम दे के और इससे बरी हो जाता। आपने वारंटी के नाम पे कितनी बार सांगी ब्रदर्स को पैसा पे किया है? वारंटी के नाम पे हमेशा सर्विसिंग के नाम पे इन्होंने हमारे से पैसा लिया
कि ये तो इसके इस गारंटी के अवेलेबल में नहीं है, इसलिए आपको ये पे करना पड़ेगा। कितना पैसा आपने पे किया है? अभी इसके पहले ही मैंने एक बार 15,000 रुपये पे किया, जो चोला मंगलम ने जीरो डेप था तो कंपनी ने बोला आप इसको चोला मंगलम से करवा लें जीरो डेप में तो आपका पेमेंट बच जाएगा। उस समय भी पूरी सर्विसिंग हुई थी आज से एक महीने पहले। सांगी में किससे बात हुई आपकी? सांगी में वहाँ के श्रीकांत जो GM सर हैं उनसे। आपका पूरा परिचय? आपका नाम? पंकज पाटीदार, बाकानेर, तहसील मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। क्या करते हैं सर? मेरी एक शॉप है हार्डवेयर की और कृषि भी है, जो कृषि के नाम से क्वाली के नाम से इन्होंने पेपर बनाए थे कि यार इसमें आपको छूट मिल जाएगी, इसलिए वो नंदराम पाटीदार क्वाली के नाम से